टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद बीते दिन यानी कि 4 जुलाई को टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया गया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बातचीत में अपने अनुभव साझा किए थे, जिसका वीडियो शुक्रवार यानी कि 5 जुलाई को पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन का रोमांच भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर मैं ऑफिस में देर रात तक काम करता हूं, उस दिन भी काम कर रहा था। इस बार एक तरफ टीवी चल रही थी और दूसरी तरफ फाइनल, फाइलों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। साथियों, आप सबका स्वागत है और हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया और देशवासियों के सारी आशा अपेक्षाओं को आपने जीत लिया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आमतौर पर मैं देर रात दफ्तर में काम करता रहता हूँ, तो लेकिन इस बार मैं टीवी भी चल रहा हूँ तो फाइल भी चल रही थी ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था फाइल में लेकिन आप लोगों ने शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, सो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है, आप लोगों ने देश को उत्साह और उत्सव से भर दिया। इसके बाद सभी चैंपियंस ने भी अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था बस। मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद, और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहाँ से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, और किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और इंडिया को जिताने को देखना है। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का, और आपने जब हम नवंबर में अहमदाबाद में हम वो मैच हारे थे तो वहाँ पे भी आप आए थे जब हमारा थोड़ा समय इतना अच्छा नहीं था, तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप आज हम आपको इस खुशी के मौके पे भी मिल सकते हैं। तो हम पहले शुक्रिया देना चाहते हैं आपका और मैं सिर्फ इन लड़कों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। चैंपियंस के स्वागत में लाखों फैंस इकट्ठा हुए और दिल्ली से लेकर मुंबई तक अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि बारबाडोस की धरती पर दक्षिण अफ्रीका को टी20 विश्व कप 2024 फाइनल में हराकर रोहित ब्रिगेड ने तिरंगा लहराया था। वहीं भारतीय टीम की जब वतन वापसी हुई तब टी20 की ऐतिहासिक जीत के जश्न में नई दिल्ली से टीम इंडिया मुंबई पहुंची, जहां सड़कों पर लाखों फैंस स्वागत के लिए जुटे हुए थे। मरीन ड्राइव खचाखच भरा हुआ था। इससे पहले ये नजारा 1993, 2007 और 2011 में दिखा था, लेकिन साल 2024 में फैंस का क्रेज क्रिकेट को लेकर और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।